नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टर हिमांशु शर्मा स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेव इक्वेशन का डेरिवेशन चलिए शुरुआत करते हैं वेव इक्वेशन को हम मोशन ऑफ मैटर वेव्स भी कहते हैं द स्क्रोडेंजर वेव इक्वेशन इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैटर वेव्स मतलब कि जो वेव इक्वेशन क्या है वो एक बेसिक इक्वेशन है मोशन ऑफ मैटर वेव्स की एक एग्जाम्पल लेते हैं ये एक वेव प्रोपेगेट कर रही है ग्रीन कलर में अब इस वेव का जो मोशन है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्क्रोडेंजर वेव इक्वेशन देर आर टू टाइप्स और टू फॉर्म्स ऑफ स्क्रोडेंजर वेव इक्वेशन स्क्रोडेंजर वे इक्वेशन दो तरह से होती है एक तो होती है टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरी होती है टाइम डिपेंडेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके अंदर पहली वाली टाइम इंडिपेंडेंट के अंदर टाइम कॉम्पोनेंट नहीं होता है जबकि टाइम डिपेंडेंट वाली इक्वेशन में आपको टाइम दिखाई देगा चलिए इन इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं पहला जो टर्म है इसके अंदर डेल स्क्वेयर साई डेल स्क्वेयर साई क्या है डेल स्क्वेयर है हमारा डेल बाई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल बाई डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल बाई डेल जेड स्क्वेयर ये क्या है हमारा ये वेरी स्मॉल चेंज है तीनों दिशाओं में एक्स वाई और जेड जैसे आपने ये देखा है ना एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में ये कैसे चेंज हो रहा है तो इस सारे के सारे जो चेंज थे तीनों एक्सिस पे इसको हमने एक लाप्लास ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया है साई क्या है हमारा वेव फंक्शन एट पाई स्क्वेयर एम और एच स्क्र एट कॉन्स्टेंट है पाई कॉन्स्टेंट है एम क्या है मास ऑफ पार्टिकल एच क्या है प्लान्स ऑफ कॉन्स्टेंट ई माइनस वी ई है हमारी टोटल एनर्जी इस पार्टिकल की एनर्जी और v क्या है जब ये पार्टिकल कांस्टेंट था मतलब मूव नहीं कर रहा था तो इसके पोटेंशियल कितना था वो v है तो e माइनस वी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इसकी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी यहाँ से और ये है हमारा साइज जिसको हम पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं वेव फंक्शन टाइम डिपेंडेंट वेव वेविकेशन क्या है टाइम डिपेंडेंट वेव वेविकेशन के पैरामीटर को देखते हैं माइनस ऑफ मॉडिफाइड प्लन्स कॉन्सटेंट स्क्वेयर अपॉन टू एम एच क्या है हमारे पास एच है हमारे पास प्लंग्स कांस्टेंट और इस पर अगर हम बार लगा देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है एच अपॉन टू पाई के इसको बोलते हैं मॉडिफाइड प्लंग्स कांस्टेंट इनटू डेल स्क्वेयर साई डेल हमारे पास यही है डेल स्क्वेयर तीनों डायरेक्शन में कितना चेंज आया है इंटू साई साई वेव फंक्शन है प्लस वी वी क्या है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंटू साई इज इक्वल टू आई क्या है हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर और फिर ये दोबारा से आ गया हमारे पास मॉडिफाइड प्लंग्स कांस्टेंट डेल बाय डेल टी ऑफ साई टी क्या है हमारे पास टाइम अब हम इन दोनों इक्वेशंस का डेरिवेशन करेंगे वन बाय वन सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन का आइए अब हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कैसे किया जाता है सबसे पहले हम एक कंसीडर करते हैं वेव पार्टिकल को ये एक डायग्राम है इसमें एक वेव पार्टिकल को कंसीडर किया गया है ये एक वेव है और इसके अंदर एक पार्टिकल घूम रहा है या फिर ये कह सकते हैं कि एक पार्टिकल अपनी वेव के अंदर घूम रहा है क्योंकि ये पार्टिकल की नेचर है जब भी वो मूव करेगा वो वेव नेचर में ही मूव करेगा कभी तो भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक वेव पार्टिकल जैसा कि फिगर नंबर वन में दिखाया गया है द क्लासिकल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए वेव मोशन इज गिवन एज जो क्लासिकल फिजिक्स है जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें जो वेव मोशन है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वेयर बाय डेल्टी स्क्वेयर ऑफ साई डेल बाय डेल्टी स्क्वेयर क्या है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन और साई क्या है हमारे पास वेव फंक्शन इज इक्वल टू वी स्क्वेयेर डेल स्क्वेयर बाय डेल एक्स स्क्वेयेर ऑफ साई प्लस डेल स्क्वेयर बाय डेल वाई स्क्वेयर ऑफ साई प्लस डेल स्क्वेयेर बाय डेल जेट स्क्वेयर ऑफ साई ये है हमारी इक्वेशन नंबर वन मतलब कि जो हमारे पास विलोसिटी है वो उसके साथ प्रोडक्ट है साई फंक्शन के तीनों डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में चेंज का कि इसकी विलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है ये हमारी क्वेश्चन नंबर वन अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास पूरा का पूरा टर्म है ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये बेसिकली क्या है चेंज की टर्म है कि कितना चेंज आया और ये बहुत छोटा पार्टिकल है तो इसमें बहुत छो थोड़ा सा थोड़ा चेंज आ रहा है तो हम इसको एक पूरे के पूरे टर्म को एक अल्फ़ाबेट या एक ग्रीक सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर या लाप्लास ऑपरेटर तो इक्वेशन नंबर दो में देखिए इक्वेशन नंबर वन का जो ये पूरा बड़ा वाला पार्ट था इसको हमने सिम्बल से रिप्रेजेंट कर दिया है वो क्या है हमारे पास लाप्लास ऑपरेटर फिर इक्वेशन नंबर तीन में क्या है हमारे पास ये जो हमने रिप्लेस किया है उसको अलग से करके लिखा है कि डेल स्क्वेयर किसके बराबर है डेल स्क्वेयर बाई डेल एक्स स्क्वेयर डेल स्क्वेयर बाई डेल वाई स्क्वेयर और डेल स्क्वेयर बाई डेल जेड स्क्वेयर तो ये है हमारी स्क्रोड वेव इक्वेशन का डेरिवेशन की इक्वेशन नंबर वन टू और थ्री अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि किस तरह से इस इक्वेशन को सोल्व किया जा आइए अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर वन का सोल्यूशन कैसे प्राप्त होगा द इक्वेशन नंबर वन इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने इक्वेशन नंबर वन देखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या थी हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन थी अब उसका जो सोल्यूशन है उसका सोल्यूशन जो है वो डिफॉल्ट में है डिफॉल्ट मतलब कि द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सच वेव फंक्शन इज गिवन बाय साइनोसाइडल वेव फॉर्म जो हमने इक्वेशन नंबर वन देखी है इससे पहले वाली स्लाइड में वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका डायरेक्ट सोल्यूशन है क्यों क्योंकि वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रही थी सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स साइनोसाइडल वेव फॉर्म को तो उसका डायरेक्ट सोल्यूशन वो मैथेमेटिकली नहीं आया है ये फिजिक्स से आया है राइट साई इज इक्वल टू साइनोट साइन ओमेगा टी मतलब कि जो उसका आंसर था जो पार्शियल डिफ्रेंसियशन था साई का वो क्या है हमारे पास उसका आंसर साई इज इक्वल टू साइन ऑट साइन ओमेगा टी और यहाँ पे हमने ओमेगा को खोल दिया है ओमेगा किसके बराबर है टू पाई म्यू टी ये क्या है हमारा ओमेगा ठीक है तो म्यू क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पार्टिकल अब हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फोर टू टाइम्स अब इस इक्वेशन नंबर चार को दो बार डिफ्रेंशिएट करना है कैसे करेंगे पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर पांच और दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर छह आइए देखते हैं डेल बाई टी ऑफ साई डेल बाई टी ऑफ साई साई नॉट अब करने के लिए क्या फार्मूला यूज किया डी बाई डी टी ऑफ साइन एम इक्वल टू एम कोस एम टी। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म क्या है एम हमने मान लिया टू पाईवी तो ये आगे आ जाएगा और कोस टू पाई वी या टू पाई म्यू इन टू टी ये वन की इक्वेशन नंबर पांच अब इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास डेल साई इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन नोट माइनस कैसे आ गया हमने सेम इक्वेशन का दोबारा से डिफेंसिएशन किया है यानी कि डी बाई डी टी ऑफ एम कोस एम टी तो ये किसके बराबर होता है माइनस एम स्क्वेयर इंटू साइन एम टी के बराबर होता है तो हमारे पास ये हमने इसको एम माना हुआ है तो टू पाई म्यू स्क्वेयर इंटू कोस टू पाई म्यू इंटू टी ये है हमारी इक्वेशन नंबर छ आइए अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर छः को किस तरह से रीअरेंज किया गया है डेल स्क् है हमारे पास अब हम क्या करेंगे ये जो इसकी पीछे वाली टर्म्स हैं इसको हम कंबाइन करेंगे साइन ऑट को पीछे ले जाएंगे फोर पाई स्क्वेयर और म्यू स्क्वेयर को आगे ले आएंगे तो ये हमारे पास सिंगल वेव फॉर्म वेव फंक्शन बन जाएगा और सिंगल वेव फंक्शन क्या है साई इज इक्वल टू साइन साइन पाई वी टी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर और टू में हमने आपको दिखाया था अब बाय ऑफ साई इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्र अब देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने यहाँ पर यह है हमारे पास म्यू और ये हमारे पास वी म्यू और वी दोनों में डिफरेंस है म्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी को और वी क्या है हमारे पास विलोसिटी पार्टिकल की और लैमडा क्या है वेवलेंथ तो इस रिलेशन को यूज करते हुए म्यू को हमने वी से रिप्लेस कर दिया और डिनोमिनेटर में लेमडा आ गया और साई फंक्शन एज इट इज है ये है हमारी इक्वेशन नंबर सात अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर बाय डेल्टा स्क्वायर साई फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेवन इन इक्वेशन नंबर टू अब क्या करना है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर सेवन आई है इसको उठा के डेल स्क्वेयर बाय डेल्ट स्क्र की जो वैल्यू है इसको उठा के इक्वेशन नंबर में पुट कर देना है। इक्वेशन तो पर भी वी स्क्वेयर है और यहां पर भी वी स्क्र है इक्वेशन के दोनों तरफ वी स्क्वेयर कैंसल आउट हो जाएगा बचेगा क्या डेल साई और इसको इधर ले जाएंगे प्लस फोर पाई स्क्र लेमडा स्क्वेयर तो कैंसिल हो चुका है पहले से ही ये बचा है वो है साई दैट इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर एट तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर एट आइए अब हम आगे देखते हैं ब्रोगली इक्वेशन जो है वो है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इन टू वी ये हमारी इक्वेशन नंबर नाइन इसको हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैमडा फ्रॉम इक्वेशन नंबर नाइन टू इक्वेशन नंबर एट अब क्या करना है लेमडा की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर आठ में जब इक्वेशन नंबर आठ में लेमडा की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास एच एम और वी वाली टर्म आ जाएंगी और लेमडा वहाँ से गायब हो जाएगा तो डेल स्क्वेयर साई प्लस डेल फोर पाई स्क्वेयर एच स्क्वेयर एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर साई इज इक्वल टू जीरो बचेगा ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर टेन ये कहाँ से बनी है इक्वेशन नंबर एट में लेमडा की वैल्यू को पुट करके इफ द ई इज़ टोटल एनर्जी एंड वी इज़ पोटेंशियल एनर्जी जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ई e क्या है हमारे पास टोटल एनर्जी उस पार्टिकल की जो वे में मूव कर रहा है और वी क्या है उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या क्या लाएगा काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वेयर वो किसके बराबर होगा टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी अब हम क्या करते हैं कि एम स्क्वेयर इंटू वी स्क्वेयर यहाँ से हम टू को इस तरफ ले गए और एम uh, को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या बन गया एम स्क्र वी स्क्वेयर और यहाँ पर भी एम आ गया तो यहाँ पर टू एम ई माइनस वी एज इट इज यहाँ पर लिख दिया तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर इलेवन अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर दस और इक्वेशन नंबर ग्यारह से हमें ये इक्वेशन मिल रही है डेल स्क्वेयर साई प्लस फोर पाई स्क्वेयर ओवर एच स्क्र इंटू टू एम ई माइनस वी इंटू साई इजक्ल टू जीरो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं दो को इधर ले जाते हैं ये आठ बन जाएगा डेल स्क्वेयर साई प्लस एट पाई स्क्वेयर एम और एच स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साई इसव टू जीरो है हमारी इक्वेशन नंबर बारह ये हमारी फाइनल इक्वेशन है स्क्रोड इंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन की काफ़ी यूनिवर्सल इक्वेशन है ये इसको आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं यहाँ हमने इसको बारह इक्वेशन में डिराइव किया है अब यहाँ पे क्या करना है ये जो H है इसको हटा के हम मॉडिफाइड प्लांक्स कॉन्सटेंट से इसको रिप्लेस कर देते हैं मॉडिफाइड प्लांक्स कॉन्सटेंट पुट करेंगे यहाँ पे H बार इजक्ल टू एच अपॉन टू पाई तो हमारे पास ये इक्वेशन और मॉडिफाई हो जाएगी ये बन जाएगा डेल स्क्वेयर साई प्लस टू एम ओवर मॉडिफाइड प्लांक्स कॉन्सटेंट स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साइ इजक्ल टू जीरो ये है हमारी इक्वेशन नंबर तेरह द इक्वेशन नंबर थर्टीन इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ स्क्रोड टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन ये जो इक्वेशन नंबर तेरह है ये भी स्क्रोडेंजर की वेव इक्वेशन है बस इसमें एच को एच एच बार से रिप्लेस किया गया या फिर ये कह सकते हो कि एच बार को एच से रिप्लेस किया गया तो स्क्रोडेंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो है ये हमारे पास यूनिवर्सली यूज़ होती हैं किसी भी पार्टिकल की एनर्जी और उसकी मोशन का उसका कौन से ऑर्बिट में है ये उसकी पोजिशन को कैलकुलेट करने के लिए सो थैंक यू वेरी मच आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और स्क्रोड इंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेविकेशन का डेरिवेशन समझ में आया होगा यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया है ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें थैंक यू वेरी मच